आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे दोस्त, ऐसा हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होइएगा। माँ जगत जननी की धरती सीतामढ़ी में अब द जॉब पॉइंट आ गया है, और द जॉब पॉइंट एक ऐसा संस्था है जहाँ पर एक ऐसी टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें कि सारे के सारे फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है, जिसमें इंग्लिश आपको मैं पढ़ाऊँगा। आप जानते हैं मेरा नाम एस के श्रीवास्तव है, और सीतामढ़ी में मुझे 10 वर्षों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 11th और 12th का। और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे 11th 12th में दिया है, हमेशा आशा करते हैं कि आपका वही ट्रस्ट हम पे बना रहेगा एसएससी और बैंकिंग के तैयारी के लिए भी। और द जॉब पॉइंट में आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे मुन्ना सर। आप जानते हैं इनके बारे में, इनके पास इनका ऐसा कंटेंट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड में बना सकते हैं, बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी बात को, बिना किसी चीज़ को याद किए हुए। बच्चे रीजनिंग में फंसते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कॉन्सेप्ट है कि केवल कहानी सुन करके आप रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए पहले आपको मिलवाते हैं मुन्ना सर से, इसके बाद आपको मिलवाएंगे हम अपने GK GS के फैकल्टी, GK GS के महारथी दीपक सर से। तो मुन्ना सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। मैं सीतामढ़ी में लगभग 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और आपका जो लाड़ प्यार हमें मिला है, जो या दुलार कहिए, जो लाड़ प्यार और दुलार मिला है, उससे मेरा मनोबल और ऊंचा बढ़ गया। इससे हम 3 आदमी मिलके कहिए कि सब अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी थे। हम इसमें आपको मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, रह गई मैथ की बात, बाबू मैथ में हम गारंटी देते हैं अर्थमेटिक का कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें हम फॉर्मूला लिखा कर पढ़ाएंगे। आप एक बार सिर्फ मेरे द जॉब पॉइंट में आके देखिए। प्यारे बच्चों, आपको गारंटी देते हैं जिस समय किसी भी सब्जेक्ट या मैथ हो या रीजनिंग, हम दो सब्जेक्ट की, हम अपने सब्जेक्ट की गारंटी लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट में कोई चैप्टर, जैसे अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक में किसी भी चैप्टर में अगर फॉर्मूला लिखाया जाएगा तो आप उसी समय बैच में उठ के कह सकते हैं कि आपने बोला था, हमसे वादा किया था कि फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला को पूरा मैथ बना देंगे। आप जो कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार होंगे उस समय। मेरे पास ऐसा कंटेंट है, जी हाँ, ऐसा कंटेंट है, एक रेशियो मेथड, खांटी मेथड के नाम से जाना जाता है। खांटी होता है क्या? मीन्स देहाती मेथड। देहाती मेथड में आप सब आदमी, हमें उम्मीद है, आप जानते हैं यहाँ कोई इंग्लैंड से आके नहीं पढ़ता है, सब देहात से, और उस भाषा को हम कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता है, हम एकदम लोकल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है, सभी के माइंड में गलत चीज़ को, गलत बातों के प्रति ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है, तो इसीलिए हम देहात की भाषा को यूज़ करेंगे और उसी में से देहाती मेथड में हम पढ़ाएंगे, और पूरे अर्थमेटिक को हम गारंटी देते हैं विदाउट किसी फॉर्मूला के ख़त्म करेंगे, और 2 से 4 सेकेंड किसी भी चैप्टर को लोचेदार लेके आइए, 2 से 4 सेकेंड में हम सोल्व करने की गारंटी देते हैं। रह गई नंबर सिस्टम और एडवांस की बात, एडवांस में भी हम रेशियो मेथड लगाएंगे, एडवांस में भी हम खांटी मेथड लगाएंगे, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई ट्रिक्स, ओनली एक कॉन्सेप्ट खांटी मेथड। पूरा सीतामढ़ी में अभी चर्चा का विषय बढ़ा, मात्र इतना कम दिनों में चर्चा में आप लोग हमें ला दिए। इस लार दुलार प्यार के कारण हम अपन सभी लोग मिलकर एक टीम का गठन किए, उस टीम को द जॉब पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। माँ जगत जननी सीता की जन्मभूमि पे आपका स्वागत है, एक बार सेवा का मौका दीजिए। आप कहीं भी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, मात्र एक क्लास में मैं तो रीजनिंग का दीवाना नहीं बना दिए तो मेरा नाम नहीं मुन्ना कुमार, मात्र एक क्लास में मैं तो रीजनिंग का दीवाना बना देने के गारंटी लेते हैं। इसके लिए आप हमें एक क्लास करके देखिए कैसा हम पढ़ाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है,
एक कॉन्सेप्ट खाटी मीठे देंगे, बस उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सारे चैप्टर को गर्दा उड़ाने की गारंटी देते हैं। इसीलिए आइए, मैथ और रीजनिंग में स्वागत है। इंग्लिश श्रीवास्तव जी सर है, जी के लिए एक अलग एक्सपर्ट दीपक जी आए हुए हैं, आप उनसे भी मिलिएगा। वो कैसे पढ़ाएंगे वो बताएंगे, मैथ कैसे पढ़ाएंगे हम कहें विदाउट। जो भी मेरे यहाँ से पास आउट हो चुके हुए, इस बार एसएससी जीडी में मात्र साल भरों में एक सेशन को हम पढ़ाए एसएससी जीडी में, गर्दा उड़ा दिया गया है। बहुत सारा बच्चा है, अभी ज़्यादा बड़ाई करना अपने मुंह से ठीक नहीं है। आप एक दो क्लास करके देखिए मेरे यहाँ, उसके बाद आपको अपनी रियलाइज होगा कि यहाँ कौन क्या देता है क्या नहीं देता है। पूरा यहाँ राजनीतिक छाया हुआ है सीतामढ़ी में, उससे थोड़ा हट के आइए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आपको मंजिल तक पुगाने की 100% गारंटी है। यहाँ सभी सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट है, आइए एक क्लास आप मात्र करके देखिए, गारंटी है दीवाना बना देंगे। रीजनिंग का 90% चैप्टर हम कहानी पे बनाएंगे, आपको कथन कारण वाला नया सिस्टम के अनुसार, नया रेलवे हो गया, रेलवे में तो अभी घिना दिया है कथन कारण, और उस कथन कारण में ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक समझेंगे ना कोई थ्योरी भी देंगे, सिर्फ एक चुटकुला कहेंगे एक या कहानी कहेंगे प्रत्येक चैप्टर में, और कहानी के माध्यम से 100% क्वेश्चन बनेगा। और बना के आइएगा तो 100% आंसर की मिलाने के दिन सही भी होता है। आइए दीपक सर से थोड़ा मिलिए, हमारे जीके और जीके जीएस के एक्सपर्ट है दीपक जी। धन्यवाद सर। जैसे कि श्रीवास्तव सर ने और मुन्ना सर ने बताया है कि किस तरह हम लोग इसमें जीके जीएस में जितने भी चैप्टर है, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक है, टॉपिक को टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक की व्यवस्था करने का प्रयास किया हमने भी अपने जीके जीएस में, श्रीवास्तव सर ने भी इंग्लिश में और मुन्ना सर भी मैथ में, तीनों लोग मिलाकर के कहें कि प्रत्येक टॉपिक को, जो भी टॉपिक हम लोग के द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी, जो भी टॉपिक पढ़ाई जाएगी, सारे टॉपिक को जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया। प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को क्या किया जाएगा, एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बैंक जो आप एक बार देख लीजिएगा और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाइएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आपको एकदम पूरा क्लियर नज़र आएगा कि हाँ सर ने ये सही तरीका से हम लोग को पढ़ाया है। दूसरी बात ये हो गई कि सारे जगह बच्चे करेंट अफेयर पे ध्यान नहीं देते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो सारे बच्चे आपस में क्या करते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है कि हमने करेंट का तैयारी अब करना कैसे है। तो आप लोगों को करेंट का तैयारी, अब सब बच्चे बोलते हैं चलो भाई स्पीडी खरीदते, एडुटेरिया खरीदते, तो सभी लोग स्टार्टिंग से एडुटेरिया स्पीडी क्यों ना पढ़े, जो कि बाद में जा करके वही एडुटेरिया स्पीडी माइंड घबरा घबरा करके पढ़ना पड़े। तो इसके लिए हमने सीतामढ़ी में ए स्पेशल सैटरडे का, सैटरडे स्पेशल सिर्फ करेंट अफेयर का क्लास रखा, जिसमें विविध और करेंट अफेयर की क्लास की एकदम सक्षम व्यवस्था होगी, जिसमें सारे बच्चे, कोई भी बच्चे आ सकते हैं और करेंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो हमने जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक और जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद वीक में एक स्पेशल क्लास होगा, जिस क्लास का नाम होगा स्पेशल वीकली स्पेशल क्लास, उसमें संपूर्ण करेंट अफेयर की तैयारी कराई जाएगी और साथ ही विविध का भी तैयारी कराई जाएगी। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक रणनीति बनाया है और सभी लोग मिल करके एक ऐसी रणनीति के साथ सोचा है कि सीतामढ़ी में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिस संस्था से बच्चे आगे बढ़े। और दूसरी बात ये भी होती है कि
बच्चे को एक सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। जिस तरह रेलवे की पटरी उलझी हुई रहती है और उसका रास्ता दिखाने वाला एक स्टेशन मास्टर होते हैं, उसी तरह बच्चे जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका ज़िंदगी एकदम उलझा रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि किस रास्ता से जाए तो मंजिल पे पहुँच जाए। तो एक ऐसी रास्ता एक गाइड के, और सभी बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे ज़रूर सफल होंगे। तो प्यारे बंधु, ये बात सोच लीजिए कि आप पढ़िए वहाँ जहाँ फर्स्ट क्लास से क्वेश्चन बैंक बनना स्टार्ट हो जाए। ये ना अगेरे वगैरह बहुत पढ़ने से कोई फायदा नहीं, पढ़े वही जो पूछा जाता है, पूछा गया हुआ है। तो आप गूगल सोच लीजिएगा, पढ़िएगा वहीं जहाँ फर्स्ट क्लास से क्वेश्चन बैंक बनना चाहिए। क्वेश्चन बैंक पे पूरी और पूरी तरह ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए मेरा गारंटी है, अगर फर्स्ट क्लास करने से क्वेश्चन बैंक नहीं बना, अगर फर्स्ट क्लास, आप तीनों टीचर को देख लीजिए, तीनों में से किसी के यहाँ आइए, अगर क्वेश्चन बैंक फर्स्ट क्लास से नहीं बनता है तो वहाँ क्लास छोड़ सकते हैं, उसी समय छोड़ सकते हैं, फर्स्ट क्लास करके छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि मेरे से क्वेश्चन बैंक बन गया, इनका नहीं बन, आप इनको हटा दीजिए, हम गारंटी देते हैं इनको साइड किया जाएगा मेरे टीम से। हमारे से नहीं बनता, हम इस टीम से साइड होंगे, गारंटी देते हैं, क्योंकि इस संस्था को हमें आगे ले जाना है, आपको मंजिल तक पुगाना है। पहला क्लास ध्यान रहिए, पहला क्लास करिए, अगर क्वेश्चन बैंक नहीं बने उसी दिन से, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक का क्वेश्चन बैंक अगर नहीं बन रहा है तो इसमें कमी स्टूडेंट का नहीं, किसका, टीचर का है। तो उस टीचर को साइड करिए। धन्यवाद, उम्मीद है आप समझे होंगे इस बात को। लीजिए श्रीवास्तव, बच्चों मिलेंगे हम लोग क्लास में, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करेंगे। आप लोग आइए 2 मई को, न्यू बैच खुल रहा है 2 मई से, 2 मई मंगलवार, 3 से 4 आप इंग्लिश पढ़ेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश का जो फोबिया है, जो डर है, वो देखने को मिलेगा कि वो ख़त्म हो चुका है फर्स्ट क्लास से ही। 4 से 5 पढ़ेंगे आप मैथमेटिक्स, और 500 से पढ़ेंगे आप जीके जीएस। तो बच्चों मिलते हैं अब क्लास में, धन्यवाद।